बहुत सारे बच्चों ने ये डाउट पूछा कि समन्स क्या होता है और वारंट क्या होता है, तो आज अपन इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो समन्स का मतलब होता है हिंदी में बुलावा पत्र, जहां पर कोर्ट इज कॉलिंग यू टू द कोर्ट और बेसिकली कोर्ट इज डिमांडिंग योर अपीयरेंस इन द कोर्ट, जो कि एक डेट दी जाएगी आपको कि इस पर्टिकुलर डेट में आपको कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना है, दैट इज समन्स। अब समन्स का नाम समन्स क्यों है, मतलब समन्स की स्पेलिंग होती है SUMMONS, तो प्लूरल क्यों है, सिंगुलर होना चाहिए था, एक ही इंसान के लिए होता है, तो इसका एक पर्पज है। समन्स कभी भी सिंगल कॉपी नहीं जाती है, समन्स हमेशा दो कॉपी में जाता है। इसका मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे लिए समन्स निकला कोर्ट की तरफ से, तो एक व्यक्ति है जो मेरे पास आएगा, दे वुड बी अ पर्सन हु वुड कम टू मी एंड गिव मी द समन्स, राइट। जब वो समन्स मुझे देगा तो एक कॉपी मुझे देगा, वो दूसरी कॉपी जो उसके पास होगी उसमें मेरा साइन करवाएगा, डेट लिखवाएगा, एंड फिर वो यही कॉपी कोर्ट में जाके सबमिट करेगा। बोलने का पर्पस ये कि यहाँ पर एक कॉपी आपको दी जाएगी और एक कॉपी वो भी जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा वो साइन करवा के कोर्ट में सबमिट करेगा। इट विल एक्ट एज अ प्रूफ कि आपको समन दिया गया था, आपने रिसीव कर लिया है, एंड फिर ये कोर्ट के पास भी पहुंच जाएगा। अब समन की वैलिडिटी क्या होती है, समन जो है वैलिड होता है उस डेट तक जो कि लिखा होगा उस डेट में, फॉर मतलब जो भी लिखा होगा समन्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर समन्स में डेट दी है लेट से 15th of July को आपको एक्स वाई जेड कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना है, तो उसकी जो वैलिडिटी होगी वो होगी 15th of July की। अब समन्स होता किसके लिए, तो समन्स होता है किसी अक्यूज पर्सन को बुलाने के लिए, हो सकता है किसी विटनेस को बुलाने के लिए, और वो हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट के लिए। Now, coming to warrant, warrant as a term is kind of giving a authority to a person. तो warrant जब भी initiate किया जाता है, जब भी process किया जाता है by the court, तो वहाँ पर एक तरह से authority मिल रही है जिस इंसान के नाम पे वो warrant निकला है या जिस इंसान को वो warrant दिया गया है उसको basically authority दी गई है कि वो उस व्यक्ति को या उस document को वहाँ पर arrest कर सकता है। जैसे कि अगर हम एक पर्सन की बात करें और अगर एक्स वाई जेड इंसान के लिए वारंट निकला है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है, एंड वहां पर नाम भी दिया जाएगा कि कौन उसको अरेस्ट करने वाला है, राइट। तो ऑर्डर में ये भी होगा कि किसको अरेस्ट करना है, कौन अरेस्ट करेगा, किसने ये ऑर्डर दिया है, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी और फिर वहां पर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। वारंट जो है सिंगुलर कॉपी होता है, समन्स की तरह डबल कॉपी नहीं होता या मल्टीपल कॉपीज नहीं होती है इसकी, इसलिए नाम भी वारंट है। इसकी एप्लीकेबिलिटी कब तक होती है, कब तक वैलिड होता है, तो वारंट या तो एग्जीक्यूट हो गया हो, डेट इज अगर मुझे किसी को अरेस्ट करना था या मुझे पावर दी गई थी कि मैं किसी को अरेस्ट कर सकता हूँ, तो या तो मैंने उसको अरेस्ट कर लिया हो या तो जिस कोर्ट ने इशू किया होगा इस वारंट को वो इसको कैंसिल कर रहे, तो आइदर इट इज कैंसिल बाय द कोर्ट विच हैज इशूड इट और इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, तभी कहीं जाकर इसकी एप्लीकेबिलिटी तब तक खत्म होती है, अदरवाइज ये सालों साल भी चल सकता है वारंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन समन्स एंड वारंट। तो समन्स जैसे कि मल्टीपल कॉपीज में होता है, वारंट सिर्फ सिंगुलर कॉपी में होता है। समन्स का जो टाइम पीरियड है वो एक डेट होती है जो कि दी होती है समन्स में, तब तक ही ये वैलिड होता है, वेराज अ वारंट तब तक एप्लीकेबल होगा जब तक या तो वो एग्जीक्यूट ना हो जाए या तो उसको कैंसिल ना कर दिया जाए उस कोर्ट के द्वारा जिसने इसको इशू किया है। वारंट जो है इशू किया जा सकता है फॉर एन अक्यूज पर्सन, फॉर अ विटनेस और इवन फॉर अ डॉक्यूमेंट एज वेल, राइट। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट समन्स एंड वारंट, एंड क्या कोई और डिफरेंस है समन्स और वारंट के बीच में, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।